अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amanat.com एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसके ऊपर मुझे आप लोगों का बहुत मैसिव रिस्पांस मिला। मेरे से बहुत से सवाल किए जाते हैं उस प्रोजेक्ट के हवाले से। इस प्रोजेक्ट का नाम है 18 और 18 की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आई विल मेक श्योर के वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक कर दूँ। उसके अलावा कॉमेंट्स में भी आप लोग वो देख सकेंगे ताकि आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकें। उसमें मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिवली बताया था कि 18 की ओवरऑल क्या डिटेल्स हैं, वो प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसके कितने सेक्टर्स हैं, उसके कितने फेजेस हैं और उसके कितने क्लस्टर्स हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें मौजूद हैं एंड यू कैन चेक दैट आउट टू गेट दी ऑल द डिटेल्स। अब आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 18 का जो फेज़ 2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके हवाले से। अब जो ये फेज़ 2 है इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट एंड हाउ दे आर गोइंग टू डिलीवर इट। जो फेज़ 1 था वहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी रेडीमेड जो आप लोगों को विलास मिलने थे, हाफ कनाल, वन कनाल, टू कनाल, उसमें साइजेस थे, फॉर द मोर 4 and 8 कनाल साइजेस एज वेल। लेकिन ये वाला जो फेज़ है इसमें आप लोग जो है लैंड बाय करेंगे, जिस तरह से नॉर्मली एक प्लॉट बाय किया जाता है आप लोगों को कॉस्ट ऑफ लैंड पे करनी होगी और उसके ऊपर आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट जो है आप बिल्कुल जिस तरह से आप चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटरनल डिज़ाइन में जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट करवा सकेंगे, लेकिन जो ओवरऑल आपका डिज़ाइन होगा फॉर योर हाउस, फॉर योर वेला, फॉर एवरीथिंग, वो आपको सोसाइटी से अप्रूवल उसका लेना पड़ेगा। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आप लोग इसमें जो है कॉस्ट ऑफ लैंड आप लोग पे करेंगे, आप लोग अपनी बुकिंग अमाउंट जो है वो पे करेंगे, तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर और प्लॉट नंबर जो है वो इशू कर दिया जाएगा राइट आफ्टर योर पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो इस टाइम पर प्राइसेस हैं जो इन्होंने बिल्कुल न्यूली लॉन्च इनके प्लॉट्स हैं फेज़ 2 में उसकी प्राइसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये वाला फेज़ 18 का RDA के अंदर आता है। इट्स नॉट इन CDA लेकिन इट्स ऑफ कोर्स इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू CDA जो कि इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन दिस फेज एज वेल। एंड ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इसकी एक और चीज़ है जो बहुत से क्लाइंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 18 में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मुझसे वो ये क्वेश्चन करते हैं, ये सवाल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है इंटरचेंज के हवाले से कि 18 का जो इंटरचेंज है उसके अभी तक हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली है और हम लोगों ने 18 में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वी वर होपफुल कि जब उसका इंटरचेंज अनाउंस होगा वो बनना स्टार्ट होगा, हम लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसको एक बूस्ट मिलेगा एंड वी बी एबल टू गेट गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो है डिले ज़रूर आ रहे हैं लेकिन ऑलरेडी उनका जितना पेपर वर्क है वो कम्प्लीटेड है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी उसकी लीगैलिटीज़ होती हैं, जो भी पेमेंट्स होती हैं फॉर इंटरचेंज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डन एंड पेड। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उसमें बता दिया जाएगा कि कब उसके ऊपर काम होना स्टार्ट होगा और कब वो सारे मामला स्टार्ट होंगे। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप लोग ये समझें कि उनके इंटरचेंज का कोई कुछ भी नहीं होने वाला है या इस तरह से कुछ भी। बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव डन माई प्रॉपर रिसर्च और हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी कॉन्टेंट बनाऊँ वो हमेशा रिसर्च बेस्ड होता है, कभी भी कोई ऐसी चीज़ आई नेवर शेयर जो कि गलत हो। तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, उनका इंटरचेंज बनेगा, उसकी ऑलरेडी आधे से ज़्यादा आप लोग कह लीजिए 90% उसकी प्रोसेसेस कंप्लीट हैं और इंटरचेंज कब अनाउंस होगा वी विल हैव टू वेट अ लिटिल मोर फॉर दैट। अब मैं आप लोगों से जो फेज़ 2 के प्लॉट्स की साइजेस की प्राइजेस हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं, उसका जो मेथड है फॉर बुकिंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके हाफ कनाल प्लॉट की जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ 4 crores एंड दैट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट चार्जेस एज वेल। इसकी डाउन पेमेंट है 20% एंड 2 साल में इसका पोजीशन दिया जाएगा, सो 2 साल का ही इसका पेमेंट प्लान है। अपार्ट फ्रॉम दैट कमिंग टूवर्ड्स द वन कनाल प्लॉट, इसकी टोटल प्राइस है 8 crores दैट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट चार्जेस एज वेल। डाउन पेमेंट इज गोइंग टू बी 20% एंड 2 year पेमेंट प्लान इसका भी मौजूद है। फर्दर मोर टू कनाल प्लॉट की जो टोटल प्राइस है दैट इज 16 crore रुपीज एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट चार्जेस। डाउन पेमेंट इज 20% एंड 2 year पेमेंट प्लान इसका भी मौजूद है। इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 15 November, तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, मैंने पहले भी वीडियो में मैंशन की है कि प्लॉट नंबर और अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को उसी वक्त जनरेट करके दे दिया जाएगा जब आप लोगों की डाउन पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। न्यूमरेट्स इनके प्लॉट्स हैं, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आप लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी मिल सकेगी। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, मुझसे भी वो ये चीज़ सवाल करते हैं कि वाई 18 इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उतना महंगा क्यों है, ऐसी क्या ख़ास बात है उसमें। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है
उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, वो आई मेक श्योर के वो मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूँ ताकि आप लोग वो देख सकें. उसमें आप लोगों के आपके तमाम सवालात के जवाब रिगार्डिंग 18 आप लोगों को मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आई शुड मेक वन मोर वीडियो एक्सप्लेनिंग वाई इज इट एक्सपेंसिव, ताकि आप लोग उसको जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ या जो लोग चाहते हैं दोबारा से मैं बनाऊँ, तो आई मेक इट अगैन. सो मेक श्योर टू कॉमेंट ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं रिगार्डिंग 18. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. फर्दर मोर इफ यू वॉन्ट टू बुक योर प्लॉट इन 18, नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू सर्व यू. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.